नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फूड विद विनोद में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सा स्नैक्स लेके आइटम लेके आया हूँ, दही के चीजी हथगोले। एकदम बढ़िया और यूनिक स्नैक्स है। तो दोस्तों बनाते हैं हम फटाफट दही के चीजी हथगोले, तो आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों ये हमने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, बारीक हरी मिर्च चॉप, बारीक कटी हुई पीली शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई लाल शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और ये प्याज बारीक कटा हुआ, और ये ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं जो साइड से हमने काट लिए हैं, और ये मोजरेला चीज ले लिया हमने, और गाजर चॉप एक बाउल में हमने हैंग कर ले लिया है, आधे से थोड़ा अधिक यानी कि 100 ग्राम के आसपास। 50 ग्राम हमने 50 से 60 ग्राम पनीर ले लिया है, पनीर का टुकड़ा। ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे, ब्रेड को साइड में रख लेंगे और पनीर को कद्दूकस यानी कि ग्रेट कर लेंगे, और सभी चीज़ों को हम मिक्स करके इस तरह से हमारा ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसमें हम इटालियन सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, क्रश किया हुआ काजू के टुकड़े, सॉल्ट, पेपर, हरा धनिया और सभी चीज़ें, हल्का सा शुगर, ये सभी चीज़ें मिक्स करके अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। ये ब्रेड क्रम ले लिया हमने, और एक बाउल में पानी, एक बाउल में एक चम्मच मैदा, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके हमने उसका घोल बना लिया था, और दो पीस ब्रेड लेंगे, इस तरह से पानी में डुबा के उसको दबा लेंगे, उसका पानी निकालेंगे। एक ब्रेड नीचे, उसके बीच में स्टफिंग, और ऊपर से एक भी ब्रेड लेके इस तरह से हम उसको सेव देंगे, और जो घोल बनाया था उसमें डीप करके हम ब्रेड क्राम में इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्राम में अच्छी तरह कोट करने के बाद इस तरह से हमारा ये बनके तैयार होगा, और सारे ब्रेड हमने इस तरह से बना लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी शेप इसमें बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तेल हाई फ्लेम में गर्म रहे तब इसे डीप फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। बढ़िया सा गोल्डन कलर हमारा इसमें आ चुका है, कितना बढ़िया और प्यारा लग रहा है दोस्तों। और इसे अब इस तरह से हम काट लेंगे, आप चाहें तो किसी भी एंगल से इसे काट के रख सकते हैं। सारे पीसेज हमने एक एक करके काट लिए हैं, अब हम इनको इसमें हल्का सा चाट मसाला ऐड कर लेंगे, और इसको हम एक प्लेट में बढ़िया करके लगा लेंगे, और सभी पीसों के ऊपर प्रोसेस चीज़ ग्रेट कर लेंगे बढ़िया करके, और इसमें म्यूनिस डाल लिया हमने साइड में। आप चाहें तो इसे टमाटर सॉस या ग्रीन चटनी किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों।